हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, अगर आप सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए अनअकैडमी की तरफ से एक्सेल सीएसआईआर नेट 2021 का बैच आया है, फिजिकल साइंसेज का। ये बैच आपका 1 फरवरी से स्टार्ट हो गया और इस बैच में आपको बहुत ही ज़्यादा वेल एजुकेटेड एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, जैसे राहुल मेहता, अंकुश सक्सेना, सुरभि उपाध्याय और अक्षर जैन जैसे एजुकेटर्स जो हैं, बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पे बताएंगे। तो आपकी सारी चीज़ें जो भी हैं, जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, वो आपकी सारी इस बैच से सॉल्व हो जाएंगी। और आपको जो है बहुत सारा यहाँ पे देखिए डाउट सेशन भी मिलता है, अगर आप कुछ एजुकेटर से डिस्कस करना चाहते हैं तो आप वो डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लस या आइकॉनिक का। तो जल्दी कीजिए, अनअकैडमी का, आइकॉनिक का या प्लस का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और साथ में इस बैच को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप इस बैच के लिए इनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप इनरोल कर सकते हो। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है शिक्षा 10, ठीक है? तो लेट मत कीजिए, अभी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और जो अपना मैक्सिमम डिस्काउंट है वो पाइए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आई एम श्रद्धा गुप्ता। आज के हमारी वीडियो में हम जो हमारा मूल कर्तव्य का टॉपिक है उसकी केस सीरीज लेके चलेंगे। जो हमारे हम अपने इंडियन पॉलिटी केस सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। आज के टॉपिक जो है वो मूल कर्तव्य है। इससे बहुत ये टॉपिक ज़्यादा वास्ट नहीं है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन ही आते पूछे जाते हैं, तो हम उन्हीं क्वेश्चन को और हल्का बहुत ब्रीफ थ्योरी देख लेंगे। थ्योरी हमने ऑलरेडी क्योंकि पहले कवर करी हुई है वीडियो में, तो बहुत डीप नहीं जाएंगे, बस रिवीजन के तौर पे देखेंगे, ठीक। मूल कर्तव्य को स्टार्ट करने से पहले हम अगर इसको मूल अधिकार या मौलिक अधिकार से लिंक करें तो क्या मतलब बनता है कि अगर जैसे हमारे भारतीय संविधान में हमारे नागरिकों के लिए कुछ मूल अधिकार प्राप्त हैं, जैसे हमने हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमें पता है, तो अगर हमें मूल अधिकार प्राप्त हैं तो उन मूल अधिकारों को निभाने के लिए कुछ कर्तव्य होंगे, कुछ दायित्व हमें निभाने पड़ेंगे, ठीक। तो उसी से अगर रिलेट करें कि कुछ मूल अधिकार अगर हैं हमारे पास, जो भी अधिकार हैं उन अधिकारों को निभाने के लिए, पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ दायित्व होते हैं, ठीक। तो इन्हीं के चलते जो ये मूल कर्तव्य हैं, ये मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया। तो कब जो ये मूल कर्तव्य हैं इन्हें कब 42वें संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब 1976 के तहत किसकी सिफारिश पे। ब्रीफ देखते हैं, अभी थ्योरी कवर कर लेंगे, फिर क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जो मूल कर्तव्य थे कब 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे कितने जोड़े गए थे, 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। वर्तमान में है कितने, 11, वो भी हम आगे कवर करेंगे। तो जो मूल संविधान में क्योंकि मूल कर्तव्य नहीं थे, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर या द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। जो जो ये 10 है इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था उससे क्वेश्चन आते हैं कि हमें तो पता है कि 10 हैं, जो 11वां मूल कर्तव्य था जोड़ा गया था वो कब जोड़ा गया था, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो कब था जो 11वां मूल कर्तव्य था, तो 1/6 46वें संविधान संशोधन में कब 2002 में जो 11वां मूल कर्तव्य है वो ऐड किया गया था, ठीक। आते हैं अपनी थ्योरी पे। पहला तो वही क्वेश्चन कि भाग कौन से भाग में मेंशन है, कौन से अनुच्छेद में मेंशन है, इसी से क्वेश्चन आता है। तो भारत के संविधान के भाग 4 का के आर्टिकल 51 का में मौलिक कर्तव्यों या मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, ठीक। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के तहत 1986 में जोड़ा गया था। अब 11वां मैंने कहा कि 11वां इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादा, क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया है, पहले 10 ही थे। तो जो 11वां है वो क्या है, 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। ये कब, 1/6 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 2002 में जोड़ा गया था। क्या है 11वां, 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा के अवसर
उपलब्ध कराना ये 11वां मूल कर्तव्य था जो बाद में जोड़ा गया था। तो वर्तमान में कितने होंगे, 11। शुरू करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं अपने, बहुत क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ना, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, प्रिसाइजली इसको देख लेते हैं जो मेन मेन क्वेश्चन पहले एग्जाम से ज़्यादा पूछे गए हैं या इंपॉर्टेंट लगे हमने वही इंक्लूड किए, तो बहुत वास्ट ये टॉपिक नहीं जाएगा, शॉर्ट ही ये शॉर्ट में ही ख़त्म होगा। पहला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया था? तो क्योंकि हमें पता है कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, बाद में इसका उल्लेख किया गया, तो कब? संविधान निर्माण के समय नहीं, बाद में हुआ, 26 जनवरी 1950 को, 42वें संविधान संशोधन में या 41वें संविधान संशोधन में। तो कब हुआ, हमने कब पढ़ा, 42वें संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। कितने, 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? समिति पूछा है, जो हमने समिति पढ़ा कि किस समिति द्वारा, वही क्वेश्चन है, कोठारी समिति द्वारा, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति या फिर स्वर्ण सिंह समिति। तो हमने ये पढ़ा कि किस समिति द्वारा, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा ही 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्यों को हमारे भारत के संविधान में जोड़ा गया था। वो फिर के यहीं इसी से क्वेश्चन आते हैं, भाग पूछ लेता है, आर्टिकल्स पूछ लेगा कि संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, किस वर्ष जोड़े गए, किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, जो 11वां था आखिरी वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, किस वर्ष जोड़ा गया और उस अनुच्छेद में क्या था। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नांकित में कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? सदस्यों की बात की है, इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से थे, ए आर अंतुले ये सदस्य थे, एस एस रे ये भी थे, हरदेव जोशी नहीं थे, सी एम स्टीफ थे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए बी और डी, किस में है, सी ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। जो ये तीन है, ये अन्य सदस्य थे जो स्वर्ण सिंह समिति थी, उनमें ये तीन अन्य सदस्य थे, कौन कौन, ए आर अंतुले, एस एस रे और सी एम स्टीफ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, यही पहले ये एक्स देखते हैं, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, ये सही है क्योंकि ऐड ही संविधान संशोधन के तहत हुए, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा कि ये कथन सही नहीं कि उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A या मूल कर्तव्य जो है में वर्णित नहीं है? कौन सा ऐसा कर्तव्य जो वर्णित नहीं है, जो 11 कर्तव्य है हमें पता होने चाहिए, क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रध्वज का आदर करना, ये तो है, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, ये भी है, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये मेंशन नहीं है, हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, ये भी है, क्या हो जाएगा आंसर, सी आंसर हो जाएगा, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, कर्तव्य मेंशन नहीं है बट ये हमें ऑलरेडी वैसे ही करना रहता है, करना चाहिए। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्र संपत्ति का बचाव करना है, राष्ट्र महत्व के स्थानों स्मारकों की रक्षा करना या प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार। तो क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा, ये आर्टिकल 49 नीति निर्देशक तत्वों के तहत ये मेंशन है, मूल कर्तव्य में नहीं है। ठीक, आगे, संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा जोड़ा गया, क्वेश्चन आया है, ठीक, इम्पोर्टेंट, देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना 11वां नहीं था, ये हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना,
राष्ट्रध्वज का आदर करना नहीं, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, यही था हमारा जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था फिर से देख लेते हैं ताकि रिवीजन बार बार हो जाए, याद हो जाए। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 2002 में इसको जोड़ा गया था। एक क्या था इसके अंदर, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना। तो ये थी, ये कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप कि सारे क्वेश्चंस कवर हो गए होंगे। बहुत, मैं जैसे मैंने कहा कि बहुत वास्ट टॉपिक नहीं है, लिमिटेड क्वेश्चंस ही आते हैं। जो जो मैंने बताया कि कहाँ कहाँ से आते हैं, वही हमने कुछ क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए थे, सदस्य वाला भी मेंशन किया था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड आई होप कि इससे क्वेश्चंस आपके लिए फंस जाएं। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।